आचार संहिता उल्लंघन मामले में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को झटका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी। चुनाव आयोग के नोटिस पर डीडी न्यूज का जवाब, कहा खबर की वैल्यू के चलते प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम दिखाया। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा और विवेक तनखा को जबलपुर से टिकट मिला। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, लेकिन राज ठाकरे बीजेपी शिवसेना के खिलाफ प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यूपी के अमरोहा और सहारनपुर में रैली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गाजियाबाद में रोड शो करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, पारदर्शिता के नाम पर किसी संस्थान को नष्ट नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों से मुठभेड़ में बीएसएफ के एएसआई सहित 4 जवानों की मौत। दिल्ली एनसीआर में आज आ सकता है आंधी तूफान, मौसम विभाग ने आशंका जताई। और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। 48 रन बनाने वाले जॉनी बेयरस्टो मैन ऑफ द मैच रहे।